हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो आपका ओएसएमएफ से रिलेटेड है। और ओएसएमएफ के जो पेशेंट होते हैं उनमें जो है कई बार अर्ली, वेरी अर्ली या फिर अर्ली या फिर एडवांस केसेस में आपका जो है वेसाइकल का फॉर्मेशन हो सकता है। तो जैसा कि आप समझते हैं कि जब भी कोई फ्लूइड फील्ड लीजन बनता है तो पैलेट के रीजन में मोस्टली वो डेवलप होता है, जो कि आपका सॉफ्ट पैलेट होता है। तो सॉफ्ट पैलेट पे ये बार बार जो आपका फ्लूइड फील्ड लीजन डेवलप हो रहा है, इसके पीछे के जो कारण हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले चीज़ कि जो ओएसएमएफ का जो कॉजेटिव फैक्टर है वो आपका है बिटल नट, यानी कि सुपारी, या उससे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट जैसे गुटखा या फिर आपका पान मसाला च्यूइंग हो गया। तो इस तरह से जब कोई भी पेशेंट जो है लंबे समय तक जो है आपका बिटल नट या फिर उससे रिलेटेड प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो आपका जो सॉफ्ट पैलेट रीजन है वो भी फाइब्रोस हो जाता है। और जब फाइब्रोसिस जो है सॉफ्ट पैलेट रीजन में पहुंचती है तो वहाँ पे जो आप जब भी कोई फूड लेंगे या फिर कोई हार्ड फूड या वेरी हॉट फूड लेंगे तो चूंकि वहाँ पे म्यूकोसल स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, जिसके कारण से वहाँ पे लीजन डेवलप होता है या फिर फ्लूइड बढ़ जाते हैं। और ये कोई कैंसर का साइन नहीं है। आधे पेशेंट तो इसी चीज़ से परेशान रहते हैं कि ये कोई कैंसर बन जाएगा आगे जा करके, तो ऐसा नहीं होता है इन जनरल। अगर आपने अपने सारे स्टिमुलेटिंग फैक्टर को, जैसा कि मैंने बताया आपको बिटल नट या फिर गुटखा च्यूइंग, आपने अगर उसे क्विट कर दिया है तो ये जनरली जो है आगे जाके नहीं बनता है कैंसर में। वैसे अगर आप चांसेस की बात करें कि कितने परसेंट चांसेस होते हैं ओएसएमएफ के मैलिग्नेंसी में ट्रांसफॉर्म होने के, तो 7% चांसेस होते हैं। लेकिन वो 7% तब होते हैं जब आपने इसको सही से ट्रीट नहीं करवाया या फिर इसके लिए आपने जो भी स्टिमुलेटिंग फैक्टर था उसे रिमूव नहीं किया, तब इसके चांसेस बढ़ जाते हैं मैलिग्नेंसी में ट्रांसफॉर्म होने के। अभी मेरे एक पेशेंट का यहाँ पे मैं आपको ये फोटोग्राफ दिखा रही हूँ, जो कि 1.5 महीना पहले जो है उनके पैलेट में इसी तरह से रेडनेस आ रही थी और दाने बन रहे थे। तो बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि ये आपके पेशेंट खुद के होते हैं, तो बिल्कुल जितने भी मैं फ़ोटोग्राफ शेयर करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम वो मेरे खुद के पेशेंट होते हैं। सम टाइम कुछ फ़ोटोज़ मैंने जो है गूगल से लिया होता है, लेकिन ये जो मेरे पेशेंट हैं ये मेरे ओन पेशेंट हैं। और इनका लगभग 1.5 महीने के बाद जो रिज़ल्ट आया है वो काफ़ी अच्छा है। जो फ्रीक्वेंसी है वेसाइकल के फॉर्मेशन का या फिर दाने बनने का वो बहुत कम हुआ है। और आपको ओएसएमएफ में प्रोग्रेसिव ही ट्रीटमेंट मिलता है, जैसे कि आप अचानक से इसको क्योर नहीं कर सकते हैं, तो लंबे समय तक आपको जो है फॉलोअप में रहना होता है, लंबे समय तक इलाज में रहना होता है, उसके बाद ही आपको जो है इसमें ट्रीटमेंट के आउटकम मिलते हैं। साथ में जितने भी आपको मेजर बताए गए हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आपको सबसे पहले जो है हैबिट कंप्लीट क्विट करना है और सेकेंडरी हैबिट को ज्वाइन नहीं करना है, जैसे कि स्मोकिंग या अल्कोहल या टोबैको च्यूइंग। अगर आपने इसको नहीं किया तो फिर आपका जो लीजन है वो अच्छे से हील होगा और वहाँ पे रिकरेंट रेट कम होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।